इतने अच्छे फूल हो रहे हैं, येलो येलो ना, वेरी नाइस, बहुत सुंदर फूल हो रहे हैं यहाँ पर, तो येलो कलर पर, येलो कलर के। ये है लेपर ट्रेल्स, ये आता है गुड़गांव में, और आजकल दिल्ली एनसीआर की जनता सब यहीं आते हैं, पिकनिक स्पॉट हो गया एक तरह से ये। बस यही है कि स्पीड की इसकी जो हैंडलिंग है बहुत अच्छी है, अच्छी तरह लीन होती है बाइक, क्योंकि व्हील बेस छोटा है तो बहुत ही निम्बल और एजाइल बाइक है, इसको लीन करने में मज़ा आता है। रोड थोड़ी ख़राब है, मुझे लगता है पहाड़ों के लिए में ना इसका इंजन बहुत अच्छा है कि आप इसको ऊंचे गियर में भी आराम चला सकते हो। पांचवे गियर में हो ना, मुझे आई थिंक गियर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। यस, पांचवे गियर में भी आराम से उठ गई, तो इतना ट्रैक्टेबल इंजन है इसका। पांचवे गियर में आराम से उठा ली मैंने 40 के आसपास। ब्रेकिंग ज़बरदस्त है इसकी, बस थोड़ा मेरे को लगता है जो आगे वाला ब्रेक लीवर है ना थोड़ा अंदर आके दबता है, या मिट्टी मिट्टी में टायर फिसलेगा भाई। हाँ, हल्का हल्का फिसल रहा है। ब्रेकिंग तो मज़ेदार है, एकदम स्पॉट ऑन ब्रेकिंग है, बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग है एकदम। आप बिल्कुल आप इन पर रिलाई कर सकते हैं ब्रेक्स पे, क्योंकि ना मेरा बस मेन ही इशू रहता है कि ये जो लो एंड टॉर्क है ना इंजन का, वो अच्छा नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है कि वो ना फिर बार बार आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। और जो हाई रेविंग इंजन होते हैं, हाई कंप्रेशन इंजन होते हैं ना, उनमें अगर ये इशू ना तो बनता ना थोड़ा परेशान सा हो जाता है। तो बस, और वही चीज़ 390 एडवेंचर में प्रॉब्लमेटिक है। बट अब आई थिंक उनका जो KTM का LC4C इंजन आ रहा है, जो अभी नई 2024 ड्यूक 390 और ड्यूक 250 में इंजन आ रहे नए वाले ना, उसमें मैंने सुना है इन्होंने मतलब जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, तो उससे क्या हुआ कि इंजन का जो लो एंड का जो टॉर्क है और जो पावर है ना थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आपको गियर शिफ्ट इतने नहीं करने पड़ेंगे। पिकअप में भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से पिकअप लेती है बाइक, बहुत ही अच्छा इंजन है इसका। बट हाँ, मैं वो 80 से ऊपर जो वाइब्रेशन आती है ना फुटपैक और हैंडल बार में, ईजी फील होगा। बट वही है कि मुझे लग रहा है कि ना फर्स्ट सर्विस का झंझट है, उसके बाद आई थिंक काफ़ी हद तक मतलब वाइब्रेशन ऐसी कम हो जाएंगी। बट 80 से नीचे और 80 तक इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, मतलब आपको इतना पता रहेगा कि इंजन चल रहा है, बट आपको बिल्कुल भी हैंडल बार फुटपैक पे वाइब्रेशन फील नहीं होगी। थोड़ा सा ऑफ रोड भी कर लेते हैं, इस पर खड़े भी हो जाते हैं आराम से। अरे, इस पर आराम से सेटल कर पा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि बहुत ही हल्की बाइक है और यू नो। बट हाँ, इसमें ये कि अगर आप लंबे हो ना तो सैडलिंग में दिक्कत होगी, बिकॉज अभी जैसे मैं खड़ा हूँ ना तो बिल्कुल आगे को झुक के खड़ा हूँ। बट हाँ, मतलब स्टिल मैनेजेबल है थोड़ी देर के लिए ना, तो ये सैडलिंग आराम से आप कर सकते हो उस पर अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो। और बट वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिवल इंजन, सेकंड गियर पे हूँ, आराम से मैं सैडल कर पा रहा हूँ, आराम से बाइक चल रही है, कोई नॉकिंग नहीं हो रही बाइक में, और बस मोमेंटम बना के चलना पड़ता है इसमें। थोड़ा मिट्टी ज़्यादा डीप आ गई तो बाइक फिसल रही है। थोड़ा मिस साइड ले लेता हूँ, हाँ बस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मतलब सोचो मैं इस पे कर पा रहा हूँ आराम से ऑफ रोडिंग ना, हल्की हल्की जितनी हो पा रही है इस पे, मुझे बहुत ईजी लग रहा है। तो सोचो स्क्रैम्बलर जो होगी ना उसमें तो और आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा भी है तो आई फील मोर कंफर्टेबल ऑन दैट। तो ये खुली खुली जगह होगी, और बस यहाँ पर थोड़ा रोक के थोड़ा सा मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ, देखता हूँ आगे जाता हूँ थोड़ा ना, यहाँ पर कचर, अरे फिसल गया, बच गया, ओह बस। ऑफ रोडिंग में ये कि मोमेंटम बना के चलो, एक गियर में एक ही स्पीड पे अपना बाइक निकल जाती है, जांचकर में ये सीखा है मैंने।
कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं मैंने, बट हाँ फिर वहाँ पर ये है कि ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर वैसी सांस निकल जाती है। बाइक की ना अच्छी से रनिंग इन हो रही है अब लग रहा है मुझे, क्योंकि बाइक की हर गियर में टेस्ट हो रही है और हो थक गया यार इतने में, अभी तो शुरू ही हुई है ऑफ रोडिंग। बट हाँ मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा केयरफुल चलाना पड़ रहा है मुझे। वैसे टेंशन नहीं है कि बाइक गिरती भी है तो इसके लेग गार्ड लगे हुए हैं, और मैं इतनी स्पीड में भी नहीं हूँ कि बहुत तेज़ गिरूँ तो कोई दिक्कत होगी। बस ये होता है कि ऑफ रोडिंग करते टाइम ना क्लच कम से कम यूज़ करो, और क्लच हाफ क्लच का भी मत यूज़ करो, क्योंकि उसमें यही होता है कि क्लच पे डिजलने का डर रहता है। एंड प्लस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है तो वो भी टायर को स्लिप होने से रोक रहा है। सो ये हूँ मैं, और मैं आ गया हूँ लेपर्ड ट्रेल्स में। ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा ऑफ रोड पैच है जो मैंने ले लिया लेपर्ड ट्रेल्स पे, और ये रही स्पीड 400। सो अब मैं आपको बाइक दिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, एकदम टोटली पैक बाइक लगती है, कहीं से भी ये बाइक डिस्प्रोपोर्शनेट लगती। बहुत ही छोटी सी है, कॉम्पैक्ट है, अच्छी है दिखने में, तो ऐसी दिखती है बाइक। इसमें आगे USD फोर्क्स आते हैं, पीछे ऑफसाइड मोनोशॉक सस्पेंशन है इसका, और ये एग्जॉस्ट पाइप है। आगे से ऐसी दिखती है, बहुत ही सुपर नाइस लुकिंग बाइक, मैं जितना तारीफ करूँ उतनी कम है। और हाइनेस के मुकाबले में ऑब्वियसली लुक्स तो दोनों के ही अच्छे हैं, मतलब लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, कंपैरिजन करना सेंस नहीं बनता है, बट हाँ दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग एंड अ वेरी वेल बिल्ट बाइक और इक्वल टू हाइनेस। ये इसकी टैंक जहाँ पर ट्रायम्फ की बैचिंग है, ये इसका पेट्रोल टैंक का कवर, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल एनालॉग LCD स्क्रीन है। सो ये है डिफरेंट चीज़, ये है कि इसका जो चेन सेट है वो राइट साइड है। नॉर्मली आप नोटिस करना कि चेन सेट नॉर्मली लेफ्ट साइड होते हैं, बट इसका राइट साइड है। रेडिएटर के साथ साथ इसका जो क्या बोलते हैं, इसमें कूलिंग फिन्स भी हैं इसके इंजन में। प्लस एक चीज़ मैंने देखी जो मुझे लगी कि ये थोड़ा रिस्क है, आप इन नीचे नोटिस करना, इसका जो क्या बोलते हैं कूलेंट रिजर्वायर है वो इसके नीचे है, बिल्कुल इंजन के एकदम नीचे। और जो ये ब्लैश प्लेट है, आई थिंक ये प्लास्टिक की है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना इसमें शायद उसका मेटल का डालना पड़े ब्लैश प्लेट, बिकॉज कहीं पत्थर वत्थर लगेंगे तो ये टूट सकता है। हाँ ये प्लास्टिक का है, टच करके देखा है मैंने इसको। बट हाँ इसमें ये है कि ये एक मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि नॉर्मली आप टूरिंग वूरिंग करते हो तो जब नीचे से पत्थर लगता है तो उसमें फिर क्या होता है ना, मेटल बैश प्लेट होता है बेटर रहता है, नहीं तो ये प्लास्टिक तो मतलब एक इम्पैक्ट पे ही टूट जाएगा, और उसी के नीचे एकदम कूलेंट रिजर्वायर है तो वो कूलेंट भी लीक कर जाएगा। तो अगर आप स्पीड 400 ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेटल बैश प्लेट लगवाओ इसमें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप नॉर्मल हाईवे राइडिंग और सिटी राइडिंग कर रहे हो तो फिर नॉट रिक्वायर्ड। सो बस ये है, और ये रही हरियाली। फाइनली मेरा जो सजेशन ये है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, या हाइनेस लेनी है, आपको स्पीड 400 लेनी है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप दोनों बाइकों की टेस्ट राइड लो, और दोनों के फीचर्स मैच करो, दोनों का कंफर्ट लेवल चेक करो, बिकॉज़ दोनों बाइकें बहुत ही डिफरेंट हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट होता है ना कि अगर मेरे जेब में 4 लाख रुपए तो मैं 4 लाख से कम की जितनी भी बाइकें सब देख लूँगा, कि मान लो मैं R15 तक देख लूँगा, ऐसा होता है इंडियन कंज्यूमर। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में और हाइनेस के बारे में वो ये है कि अगर मैं होता आपकी जगह, मेरी ज़्यादातर सिटी राइडिंग होती कि मैं ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहा हूँ, सो अगर नॉर्मल मेरा सिटी कम्यूट ही है मेजरली 99% मेरा सिटी कम्यूट है तो फिर मैं हाइनेस प्रेफर करूँगा। बट अगर मेरा जो मोस्टली मेरा टूरिंग का ही हिसाब है कि मैं टूरिंग पर ही जा रहा हूँ
और मैं सिटी में बिल्कुल नहीं चलाता, मतलब हफ्ते में, मतलब सिटी का मेरी एवरेज जो मंथली आ रही है, मतलब किलोमीटर कर रहा हूँ मैं कुछ 100 किलोमीटर मुश्किल से कर रहा हूँ। तो उस केस में फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पीड 400 भी चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो बाइक फॉर हाईवे राइडिंग। सिटी में भी ठीक है, बट सिटी का एक प्रॉब्लम यही है ना कि मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हीटिंग से ना मतलब जब गर्मियाँ होती, अभी जैसे सितंबर आ गया तो सर्दियाँ वैसी आने वाली, तो पता भी नहीं लगे आपको उसकी हीट हो रही है, बट जब आप एक्चुअल में इसको गर्मी में चलाओगे ना, तब आपको इसकी एक्चुअल हीटिंग की जो है ना वो पता लगेगी कि कितना हीट करती है बाइक। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ट्रैफिक की बात कर रहा था, इसमें गाड़ी इतनी हीट हो रही ना अभी कि मतलब मेरे अंदर के थाइज है ना उसके तो पापड़ बन जाएगा, और पूरी जो मैं बताता हूँ कि हवा कैसे आ रही है, तो यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, ऐसे सीधा ऐसे हीट कर रही है, और पंखा भी चल रहा है। और इसमें एक और चक्कर है कि अगर आप गर्म बाइक को ना रेड लाइट पे बंद कर दो ना, और क्योंकि फैन ऑफ हो जाता है, इंजन गर्म, इंजन ठंडा नहीं हुआ, दोबारा ऑन करोगे ना बाइक को, तो बाइक ना फिर स्टार्ट नहीं होती है, 2-3 बार क्रैंक करना पड़ता है तब स्टार्ट होती है बाइक। तो ये प्रॉब्लम थी जो फर्स्ट जनरेशन ड्यूक 390 आई थी ना, उसमें ये दिक्कत थी कि आप ट्रैफिक लाइट पे गर्म बाइक को बंद करते हो तो उस टाइम पंखा ऑन रहता है, अगर गर्म इंजन में ही आप अगर बाइक बंद कर दोगे और पंखा भी ऑफ हो गया तो होता क्या है, बाइक ठंडी नहीं हो पाती, तो वो हाई टेम्परेचर पे ऑन नहीं होती बाइक, तो 2-3 बार क्रैंक करना पड़ता है तब स्टार्ट होती है। तो भाई साहब एकदम देखो ये ना यहाँ से हवा आती पूरी ऐसे, ये इनर थाइज पूरा जलता है एकदम।